गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू, एक्सरसाइज 3.4, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला लिखा है चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, वो अप्लाई करना है। वो क्या होता है वो देखिए, इसके आगे वाली जो नंबर है दैट इज ए, एक्स स्क्वायर का जो भी आपके कोफिशियंट होता है वो ए, और एक्स का कोफिशियंट विद साइन वो बी, और कॉन्स्टेंट जो होता है वो सी। अब जो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये डिवाइड वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है, कुछ बच्चे इस पे ही लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, रोंग है वो। वैल्यू रख देंगे माइनस, और बी की वैल्यू माइनस में ही है, प्लस माइनस माइनस टू रूट टू स्क्वायर फोर, ए की वैल्यू टू, सी वैल्यू वन, ए की वैल्यू टू, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का टू, टू फोर जा एट, और ये भी टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, एट में से एट गया जीरो, टू रूट टू प्लस माइनस जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, टू से कट गया टू बार, रूट टू अपॉन टू, और ये इससे कट गया रूट टू बार, तो x की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, दो बार यही आंसर होगा। x की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे करने अब हमें रिमेनिंग पार्ट और करते हैं, आपको और अच्छी तरह आने लगेगा। सेकंड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला जो है एक ही बात है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ए बी सी दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ए इज इक्वल टू नाइन, बी इज इक्वल टू सेवन, सी माइनस टू, फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड टू ए, माइनस सेवन, सेवन स्क्वायर
9 इंटू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन 49 माइनस 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 प्लस नाइन टू जो 18 माइनस सेवन प्लस माइनस रूट के अंदर 121 का रूट निकलता है माइनस सेवन प्लस माइनस 11 निकलता है रूट। एक बार पॉजिटिव लेंगे आंसर बना 4/2/9। एक बार नेगेटिव लेंगे -18/18 आंसर -1। थर्ड पार्ट x1/x = 3 x1/x पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई x² - 3x + 1 = 0 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -3 कुछ भी नहीं होता है तो वैल्यू 1 होती है याद रखना 0 नहीं होती है। फार्मूला अप्लाई करा -3 - 3² x = 3 + -9 - 4 3 + -√5/2 यही आंसर है। तो थर्ड पार्ट भी डन हो गया और सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पहले हो गया। सिक्स पार्ट हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी अभी करते हैं अपन। फोर्थ पार्ट √2x² +7x +5√2 ए की वैल्यू इसमें √2 है बी की वैल्यू 7 है सी की वैल्यू 5√2। फार्मूला लगाएंगे
वैल्यू पुट कर देंगे, सेवन का स्क्वायर आएगा 49, टू बन गया, टू फाइव जा टेन, टेन फोर 40, ओनली 9, 9 का रूट 3 आता है, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की, पॉजिटिव वाली है ये, माइनस 4 अपॉन 2 रूट 2, 2 से ये कैंसिल 2 बार, रूट 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जब नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे माइनस 10 अपॉन 2 रूट 2, माइनस 5 अपॉन रूट 2, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 यही है, a की वैल्यू 1 आई, कुछ भी नहीं तो मैंने बताया था 1 होता है, b 4, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे हम बी की, 4 स्क्वायर ए सी का मल्टीप्लाई, सिक्सटीन, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4, माइनस 4 रूट, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट आपका हो गया, सिक्स्थ पार्ट बचा इसके बाद। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, इजिकल टू 3, एलसीएम, एक्स माइनस टू माइनस एक्स, एक्स माइनस टू माइनस एक्स,
क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स कैंसिल, टू भी उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए थ्री आ गया, बी माइनस सिक्स आ गया, सी टू आ गया, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बी की वैल्यू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू टू, प्लस सिक्स थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर, सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व की वैल्यू निकालेंगे टू इंटू टू फोर इंटू थ्री, टू रूट थ्री, टू कॉमन, इससे थ्री बार कैंसिल, और यही आपका आंसर बना। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया और आज की क्लास भी कंप्लीट। ओके, नाइस डे, गुड बाय।